लड़की नहीं फुल भोकाल है ये कौन है क्या है कहाँ है सबका सवाल है क्या वो और अल्ट्रा से डाक का डर न रहे और मैजिक जेल से मिले अपटू हंड्रेड परसेंट प्रोटेक्शन जी हाँ नाटी पिंकी की लम्बी देखें मुझे लगता है अपनी आर्ट के ऊपर आपको सबसे ज़्यादा विश्वास करना चाहिए आप क्या कर रहे हैं उस पर आपको बिलीव होना चाहिए और उतनी कड़ी मेहनत होनी चाहिए तो जो लड़कियां हैं यहाँ इंडस्ट्री में जो काम कर रही हैं उनसे मैं ये कहना चाहूँगी ईमानदारी से अपना काम करें क्योंकि अगर आप कलाकार हैं तो ऑनेस्ट रहना बहुत ज़रूरी है अपने काम के प्रति भी और ख़ुद के प्रति भी रानी मुखर्जी के साथ मैंने स्क्रीन शेयर किया जिसमें मैंने तारा का कैरेक्टर किया है जो एक चूहे का बॉक्स लेके चलती रहती है 2019 में भी मेरा प्रोजेक्ट आया है रात अकेली है जिसमें मैंने नवाजुद्दीन सर के साथ काम किया है अपू के नाम से बुलाते हैं या फिर पिंकी के किरदार के नाम से बुलाते हैं बिहारी जी में आप सबको ही पता है कितनी रश और कितनी भीड़ होती है इट् जस्ट लाइक अ मैजिक आप कहते हैं ना कन्हैया से मांगे और कन्हैया पूरी करते हैं करते हैं तो यहाँ पर वो सारी चीज़ें रिवाज है नहीं मूवीज़ वगैरह में काम करने का इवन लोग पसंद भी नहीं करते आई थिंक सर इसको आप कह सकते हैं कि तकदीर में अगर आपके लिखा होता है तो आपको मिल ही जाता है फिर वो चाहे आप जहाँ भी हो आज आपकी खास मुलाकात होने जा रही है मशहूर टीवी एक्ट्रेस रिया शुक्ला से जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में अच्छा खासा मुकाम अपनी मेहनत और हुनर से पाया है रिया शुक्ला इंद्र नगर लखनऊ की रहने वाली हैं। आज बात करते हैं रिया शुक्ला से और कुछ खास मुद्दों पर उनकी लाइफ के बारे में जानेंगे बॉलीवुड में क्या वाकई में लड़कियों के लिए गंदगी है रिया बताएंगी बॉलीवुड का असली माहौल क्या है रिया शुक्ला ने अब तक नाटी पिंकी की लंबी लव स्टोरी निल बटे सननाटा थर्ड आई रात अकेली है हिचकी छोटी वन स्टोरी मानी एंड व जल्द आ रहे कर्णिका और पल्लू में अब तक विशेष किरदार निभाए हैं हेलो एवरीवन राधे राधे आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज ट्वेंट फोरेस्टी मैं हूं आपके साथ गोपाल ठाकुर जैसा कि आप लोग जानते हैं मैं आपको एक से कच्चे कलाकारों के और बॉलीवुड एक्टरों के और एक्ट्रेस के इंटरव्यू दिखाते रहता हूं इसी क्रम में आज हमारे साथ मौजूद हैं बॉलीवुड एक्ट्रेस रिया शुक्ला वेलकम टू रिया वेलकम टू इंडिया नमस्ते और राधे राधे सभी को हमारी तरफ से भी तो रिया आप हमारे मथुरा ब्रज धाम में आए हैं आपको कैसा लग रहा है बस बिल्कुल राधा मई कृष्ण मने मई हम लोग पूरे के पूरे हो गए हैं बहुत इंजॉय कर रहे हैं और फर्स्ट टाइम है तो इसलिए एक्साइटमेंट भी बहुत ज्यादा है तो अभी हमारे साथ मौजूद हैं रिया शुक्ला उनसे हम जानेंगे उनके लाइफ के बारे में उनकी पूरी डिटेल्स जान लेते हैं आज पाँच मिनट में आपको दिखाएंगे कि रिया शुक्ला की कहाँ से शुरुआत हुई कहाँ जन्म हुआ और कैसे उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा और कैसे फ्लाइट की तरह सुर हो गई उड़ती जा रही है रिया आप मुझे बताएं आप कहाँ के रहने वाले हैं कहाँ जन्मभूमि है आपकी तो जी हमारा बर्थ प्लेस लखनऊ है वहीं पे हमारा हमारा जन्म हमारी पढ़ाई सब कुछ लखनऊ में हुई है जी और वहीं से हमारी शुरुआत भी हुई है 2012 में सबसे पहले हमें ब्रेक मिला था रियलिटी शो डांस के शो पे हिंदुस्तान के हुनरबाज जिसके जज टेरेंस लोइस सर और सोनाली बेंद्रे मैम थी वहाँ से फिर सफ़र शुरू हुआ और मूवी में आना हुआ 2014 में टू थाउजेंड फोर्टीन में जैसे आप लोग जानते हैं नील बटे सन्नाटा अच्छा जिसके लिए मुझे फर्स्ट अवार्ड मिला है बेस्ट चाइल्ड एक्ट्रेस का अरे और उस टाइम क्या एज थी आपकी उस टाइम मैं 14 की थी। 14 क्या, क्या उसमें। उसमें मैं ही अच्छा। कर कर तो थी। ओनली जी। वो क्या बेटी का किरदार मैंने यानी कि अप्पू अपेक्षा सहाय का किरदार मैंने निभाया था तो नील बटे सन्नाटा में नील की जगह आपको अप कर दिया लगता तो यही है सर और हो सकता है शायद हुआ भी है थोड़ा बहुत और आप सबका आशीर्वाद रहा तो अभी और भी जैसे आपने बोला ना एक फ्लाइट, फ्लाइट बहुत फ्लाउट लेके मैं सुर हो गई तो शायद आगे भी फ्लाइट लेके और भी आगे तक जाने का प्लान हो। अच्छा ये बात करते हैं हम एज ए मोटिवेशन है ना जैसे बहुत सी गर्ल्स होती हैं इस लाइन में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होता है तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे बहुत से लोग होते हैं ना ऐसे डाउन हो जाते हैं कि हम ये कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे देखिए मुझे लगता है अपनी आर्ट के ऊपर आपको सबसे ज़्यादा विश्वास करना चाहिए आप क्या कर रहे हैं उस पर आपको बिलीव होना चाहिए और उतनी कड़ी मेहनत होनी चाहिए जब आपको अपने कला के ऊपर विश्वास होता है और उतनी ही मेहनत आप उसको देते हैं तो मुझे लग नहीं लगता है कि आपके मन में कोई भी पशुपेश या कोई भी तरह की चिंता रह जाती है क्योंकि वही आपको आपकी मेहनत और आपकी आपका खुद के ऊपर जो विश्वास होता है वही आपको काम दिलाता है और बस मैं तो, यही कहूँगी कि जितने भी लोग हैं जो भी लोग जो लड़कियाँ हैं यहाँ इंडस्ट्री में जो काम कर रही हैं उनसे मैं ये कहना चाहूँगी ईमानदारी से अपना काम करें क्योंकि अगर आप कलाकार हैं तो ऑनेस्ट रहना बहुत जरूरी है अपने काम के प्रति भी और खुद के प्रति भी तो आपने सबसे पहला बता रहे मूवी के दिन नीलबे सन्नाटा तो उसके बाद आपने कैसे जो प्रोजेक्ट किए उनके बारे में थोड़ा थोड़ा बताएं जी जी आ, तो उसके बाद में टू थाउजेंड में मैंने अपना जब मूवी किया उसके बाद में फिर मैंने एडवर्टाइजमेंट किया जो कि आप लोग देखते ही होंगे टेटॉक्स इंडिया विस्पर अल्ट्रा जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था नो चेक 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 गर्ल के नाम से और उसके बाद में मैंने फिर अपनी 2018 में, में मेरी मूवी जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी चली है आप लोग जानते ही होंगे हिचकी रानी हाँ। मुखर्जी के साथ मैंने स्क्रीन शेयर किया जिसमें मैंने तारा का कैरेक्टर किया है जो एक चूहे का बॉक्स लेके चलती रहती है तो बस वहाँ से स्टार्टिंग हुई और 2019 में भी मेरा प्रोजेक्ट आया है रात अकेली है जिसमें मैंने नवाजुद्दीन सर के साथ काम किया है एज अ चुन्नी और आप सब ने बहुत प्यार दिया उस कैरेक्टर के लिए मुझे एंड आई एम वेरी ब्लेस्ड कि आप लोग छोटे और प्रोमिनंट रोल्स में भी मुझे रिकोगनाइज़ कर लेते हैं इतना प्यार देते हैं और आप ही सबकी आशीर्वाद से शायद रियलिटी शो रियलिटी शो नहीं टीवी शो की बात कर रही हूँ मैं मेरा फर्स्ट टीवी शो नाटी पिंकी की लंबी लव स्टोरी जो कि कोरोना के टाइम में सबको लग रहा था कि ऐसे शोज भी चल पाएंगे या नहीं चल पाएंगे जिसने बहुत अच्छा किया और अभी तक मुझे हर देश से सिर्फ मुझे उस शो के लिए प्यार मिल रहा है और मैं बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ उसके लिए। उस शो के अलावा कोई आपको प्यार नहीं करता क्या <laughs> नहीं नहीं मुझे लगता है उस शो में मुझे लोगों ने ज़्यादा रिकगनाइज़ किया है अभी भी लोग मुझे मेरे खुद के नाम से नहीं बुलाते हैं लोग मुझे मेरे फर्स्ट मूवी के नाम से अपू के नाम से बुलाते हैं या फिर पिंकी के किरदार के नाम से बुलाते हैं और सबसे इंटरेस्टिंग बात बताऊँ सर कि मैं आपके यहाँ यहाँ जन्मभूमि पे और बिहारी जी के दर्शन करने के लिए गई थी मथुरा में और वहाँ पर मुझे मेरे बहुत ढेर सारे फैंस मिल गए थे जो कि सिर्फ मथुरा के नहीं थे कुछ लोग राजस्थान के थे कुछ लोग रोहतक से थे और कई कई जगह बहुत अलग अलग जगहों से लोग मिले तो मुझे बड़ा अच्छा लगा और उन्होंने तकरीबन जब तक मैं पूरी जन्मभूमि मैंने घूमने ली तब तक तब तक वो आई थिंक फिफ्टीन गर्ल्स का वो पूरा ग्रुप था वो सब तब तक हमारे साथ रहे और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा बिहारी जी में आप सबको ही पता है कितनी रश और कितनी भीड़ होती है लेकिन वहाँ के पंडितों ने और वहाँ सर का भी सपोर्ट था वहाँ के पंडितों ने और प्रोड्यूसर सर ने मतलब ऐसा लगा ही नहीं मुझे कि मैं फ़र्स्ट टाइम आई हुई हूँ इतने लोगों ने रिकगनाइज़ किया इतना प्यार दिया वहाँ पर कि इट जस्ट लाइक अ मैजिक आप कहते हैं ना कन्हैया से मांगिए और कन्हैया पूरी करते हैं ये रियलिटी के हमारे ब्रज में कोई एक बार आता है बिहार जी के दर्शन करता है तो वो बार बार भी आता है क्या आपका मन हो रहा है कि आप दोबारा भी बिहारी जी के दर्शन करने के लिए ऑफ कोर्स और मेरा प्रोजेक्ट आने भी वाला है मैं सबको बता दे रही हूँ मैं जल्दी फिर से मथुरा में होने वाली हूँ और आई uh, विश कि बिहारी जी के दर्शन दोबारा फिर से फिर से हो पाए हमको और मैं आपको बता दूं कि मैं भी डिवोटी हूं कृष्णा की और मैं भी इस कौन से जुड़ी हुई हूं तो ये बहुत ब्लेस्ड होता है किसी भी एक्टर के लिए या किसी भी डिवोटू के लिए कि जिसको वो बिलीव जिसके ऊपर करता है वो नारायण उन्हें अपने पास बुलाएं अपने पास काम कराने के लिए कि आइए हम भी आपके साथ हैं के बिहारी लाल की जय अच्छा हम बात करते हैं कि आपका ऐसा इस लाइन में आने का कैसे मूड हुआ देखिए मैं बड़ा कंफ्यूज बच्चा रही हूँ मुझे अच्छा। मेरे घर में सभी लोग गवर्नमेंट ऑफिसर हैं सबने गवर्नमेंट जॉब करते हैं सब लोग पढ़ाई पे ध्यान देने वाले लोग हैं किसी का भी इस लाइन से कोई भी मतलब नहीं है हाँ मेरे जो परदादा थे मेरे जो दादा थे वो ठुमरी गाते वाते थे लेकिन किसी का क्योंकि हम लोग ब्राह्मण फैमिली से हैं खेड ब्राह्मण फैमिली जो कि अयोध्या से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर वो सारी चीज़ें रिवाज है नहीं मूवीज़ वगैरह में काम करने का इवन लोग पसंद भी नहीं करते हैं लेकिन पता नहीं कहाँ से मुझ में संगीत की और कथक की मतलब मुझे बचपन से ही डांस करने का बहुत शौक था तो मैंने डांसिंग से ही अपना करियर स्टार्ट किया था फिर मुझे मेरे गुरु मिले प्रोफेसर बसंत सैकिया जिन्होंने मुझे शिक्षा दी और उन्होंने ही मुझे शास्त्रीय संगीत की भी शिक्षा दी है और आई थिंक सर इसको आप कह सकते हैं कि तकदीर में अगर आपके लिखा होता है तो आपको मिल ही जाता है फिर वो चाहे आप जहाँ भी हों तो मैं भी लखनऊ में एक नॉर्मल फैमिली से एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाली लड़की हूँ बट आई थिंक मेरे एक तकदीर में था तो मुझे तकदीर के साथ साथ मेहनत भी होती है ना तो आप मानो जी हाँ बिल्कुल अगर आप इस इंडस्ट्री से हैं तो बिल्कुल भी मैं कहूँगी आज कल बहुत ज़्यादा केसेस हो रहे हैं सुसाइड लोग कर रहे हैं आई नो इस पर बोलना बहुत ईजी होता है बट जिन पे बीतती है वो जानते हैं लेकिन मैं इतनी बात कहती हूँ कि अगर आपके माता पिता का आपके ऊपर हाथ है आपका परिवार आपके साथ है तो आप लाइफ में कोई भी चीज़ जितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों ना हो आप पार कर जाएंगे और ख़ास करके जब आपके पास इतने सारे फैंस हो आपको प्यार करने वाले तो अगर कोई टफ़ टाइम आता भी है एज एक्टर अगर आप हो या कुछ भी जो भी आपका जॉनर है आता भी है तो बस जो आपको प्यार करते हैं ना बस उन्हें याद कर लीजिए बस आपकी सारी प्रॉब्लम्स उस वक्त ख़त्म हो जाएंगी और आपको लगेगा कि हाँ आप एक सही दिशा में हो अच्छा रिया मैं एक चीज़ और क्लियर करना चाहूँगा हमारे ऑडियंस आपको देख रहे हैं कि ज़्यादातर फैमिली में लोग बोलते हैं अपनी बेटियों को भिजनेस पे कि यहाँ का माहौल बहुत गंदा होता है जी जी. है ना तो बोलते हैं कुछ रोमांटिक सीन्स होते हैं या जी. कुछ भी होता है तो बोलते हैं कि यहाँ बहुत गंदा माहौल होता है बॉलीवुड का बहुत अक्सर करके बोलते हैं इस वजह से बच्चों का जो करियर है वो वहीं कहीं डाउन हो जाता है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे जी डेफिनेटली इस पर मैं बोलूँगी जी हाँ बिल्कुल आपके टाइम में टू चल रहा है दो है और आपके समय में बहुत ही ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं लेकिन आ, मैं कहूँगी ना कि तालाब में एक मछली गंदा होती है तो पूरी तालाब को ही गंदा बोला जाता है तो कुछ ऐसा ही हमारी इंडस्ट्री का भी खेल हो रहा है है बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर जो गलत हैं लेकिन मुझे लगता है अगर आप सही जगह से आए हैं जैसे कि मैं भी एक छोटे शहर से हूँ मुझे भी इन सारी चीज़ों की आदत नहीं है मैंने भी आज तक एक तक सुपारी तक नहीं खाई है तो मुझे पता है लेकिन अगर आप फैमिली के साथ रह रहे हैं और आपकी खुद के जो अंदर आपके गट्स हैं जो कल्चर हैं अगर आपके साथ हैं तो आपको कभी कोई चीज़ बिगाड़ नहीं सकती लेकिन अगर आप भटकने वाले हैं जिनको लगता है कि आप कुछ आगे जाके इनके जैसा बनना चाहते हैं एक बात मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी जितने भी न्यू कमर्स आ रहे हैं कि आप लोगों में घुलना मिलना मत शुरू करिए स्टार्डम के पीछे मत भागिए काम के पीछे भागिए आपका काम आपको आगे लेके जाएगा ये चकाचौंध नहीं ये चकाचौंध सिर्फ तब तक रहती है जब तक कैमरा आपके सामने होता है लोग आपसे तब तक तक कनेक्ट रहते हैं जब तक कैमरा आपके सामने होता है जैसे ही ये कैमरा जाता है जैसे हटती हैं वैसे ही लोग भी आपसे हटते हैं कोई भी किसी का भी परमानेंट साथ नहीं है यहाँ पर अगर आप एक एक्टर हैं तो ये चीज़ें बेहतर तरीके से समझेंगे कि हम अपनी निजी जिंदगी में भी कब एक्टिंग करना शुरू कर देते हैं हमें नहीं पता चलता इसलिए मैं बोलूँगी खुद पर विश्वास रखो काम अच्छा करो अपने आप ही जो भी चका चौथ है जो भी लोग हैं सब आपके आप अपने आप ही खींचे चले आएंगे ये एक बहुत बड़ा बॉलीवुड का सच है जो कि रिया ने आपके सामने रखा है और बताया हर कोई इस चीज़ को नहीं बताता है इस चीज़ को खुल के कोई नहीं बता पाता है ना कोई बॉलीवुड एक्टर बताता है ना कोई एक्ट्रेस बताती हैं जो आपने बताया खुल करके जो हमारे नए दर्शक हैं जो इस लाइन में आ रहे हैं उनके लिए चलिए बात करते हैं एक रोमांटिक सीन को लेकर के क्या आपने कभी रोमांटिक सीन्स किए हैं इसमें Uh, जैसे सभी लोगों ने मेरा शो देखा है मेरा टीवी शो देखा है तो मैंने कोई वैसा रोमांटिक शोज तो मैंने नहीं किए हैं क्योंकि मैं मेरा जॉनर वो रहा नहीं है रोमांस के लिए नहीं मैंने अभी कोई भी रोमांस का नहीं ये मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट होगा पुल्लू जिसमें मैंने थोड़ा सा एज uh, अ uh, uh, मतलब गर्ल एंड बॉय का एक रोल रहा है हमारा ये फर्स्ट टाइम लाइफ का ये भी एक एक अलग एक्सपीरियंस है आपको कांगेतर का एक रोल जो इसमें दिखाया गया है लेकिन फिर भी हम लोग इसमें ज़्यादा करके एक एक सोशल वर्कर बने हैं बहुत ज़्यादा इसमें भी नहीं है बट हाँ ये कहूंगी कि एक बॉन्ड जो दिखाना है वो यहाँ पर मिलेगा चलिए आप बात कर लेते हैं पुल्लू मूवी की जो पुल्लू मूवी बन रही है उसके बारे में आपसे ज़्यादातर तो नहीं पूछूंगा <laughs> लेकिन उसके बारे में आप अपना एक्सपीरियंस बताएं आपको कैसा एक्सपीरियंस लगा यहाँ पर आकर के हमारे मथुरा में मूवी शूट हो रही है ब्रज में आई आप यहाँ के लोगों का माहौल कैसा लगा यहाँ के प्रोडक्शन का माहौल कैसा लगा ओवरऑल अगर मैं बात करूं मथुरा की तो ये मेरा फर्स्ट टाइम है मथुरा में जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया और मथुरा में आने का सबसे बड़ा सभी का ये रहता है कि वो मंदिर घूमने को पाएँ और इतना खूबसूरत है यहाँ पे आर्किटेक्ट इतनी खूबसूरत खूबसूरत है कि आपका दिल तो लग ही जाएगा ऑब्वियस है किसी का भी लग जाएगा तो हमारा भी बिल्कुल लगा और नारायण के हम भी डिवोटी हैं तो ऑफकोर्स मुझे बहुत मज़ा आ रहा था मथुरा में और अभी भी मैं चाहूंगी कि मैं जो मेरा नया नेक्स्ट प्रोजेक्ट है जो यहाँ पे हम लोग कर, शूट करने वाले हैं वो भी बहुत खूबसूरती से यहाँ पर हो और और मजे ले सकूँ मथुरा के हाँ यहाँ पे लाल मिर्च खाने में ज्यादा पड़ती है ये बात मैं कहना चाहूंगी वो, वो कैसे कैसे किस तरह से तर? मतलब बताया मैंने कचौरिया खाई थी और उसकी जो चटनी थी वो बहुत ज्यादा तीखी थी खैर हम लोग हमारे यहाँ की तो काफी टेस्टी होती हैं और काफी फेमस भी है ऐसा, आ, हो सकता है, आप लाल मिर्ची कम खाते जी हाँ, हाँ? क्योंकि मेरे मुंह में छाले बड़े हुए थे इस वजह से भी हाँ, वो रीजन ना निकलते लेकिन मथुरा की कचौड़ियों का भी ना बोलिए नहीं मथुरा की कचौड़ियों में कोई कमी नहीं थी चटनों में कमी थी नहीं वो मैम चटनी कचौरिया बहुत ही अच्छी है चटनी में कमी नहीं थी आपके मुँह में छाले थे और यहाँ की लस्सिया यहाँ के खाने <laughs>

अभी भी लोग वो सारी चीजों को फॉलो कर रहे हैं और वो लोग किसी बाउंडेशन में नहीं कर रहे हैं वो उनका उसके प्रति लगाव है, है वो रिस्पेक्ट है रिस्पेक्ट करते हैं और काफी अच्छा लगा ये देख के और उसमें भी वो लोग बहुत धड़ल्ले से काम कर रहे हैं हाँ, बहुत तेजी से करते हैं और बहुत तेजी से काम करती हैं यहाँ की लेडीज है मैं जिनके यहाँ शूट कर रही थी वो अम्मा जी भी मेरा शो देखती थी और उन्होंने बताया कि मतलब मुझे नहीं लग रहा आप पहले तो मोटे थे पतले हो गए और वो घूंघट में ही प्रॉपर मुझसे बात कर रही थी जब मैंने उनसे उनके हस्बैंड से बोला कि मैं उनको देखना चाहती हूँ तब जाके हमने उनका चेहरा देखा अच्छा तो रिया मैं आपसे पूछना चाहूँगा अभी आपकी एज क्या है तो अभी मैं 22 साल की हूँ अच्छा अभी बहुत कम उम्र में आपने इतना सब किया है तो आपकी फैमिली आपको काफ़ी प्राउड करती होगी जी हाँ बिल्कुल ये सब माता पिता का ही आशीर्वाद है जो फैमिली की तरफ से शायद आपको पूरी सपोर्ट पूरी छूट रही है जी हैं हाँ। जी हाँ छूट से मैं कहूँगी सर अगर आप अच्छी चीज़ की तरफ जा रहे हैं और गलत हाँ और अगर आप गलत नहीं कर रहे हैं आप सही चीज़ें कर रहे हैं और वो माता पिता के लिए भी अच्छी हैं परिवार के लिए भी अच्छी हैं तो कोई भी माता पिता किसी भी लाइन में जाने के लिए नहीं मना करते हैं और मेरे माता पिता मेरे कल्चर को मेरी चीज़ों को समझते हैं वो जानते हैं कि मैं उनके बिना नहीं रह सकती तो वो मुझे पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं और चाहूंगी कि लाइफ में भी ऐसे ही आगे उनका सपोर्ट मुझे मिलता रहे ठीक है थैंक यू रिया आप हमारे साथ इतने टाइम बने रहे आपने अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस हमको दिया और हमारे दर्शकों को दिया और आप आखिरी बार ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे पता जय मोको यही कहना है कि जो भी मथुरू आए कचोरी खाए लेकिन चटनी ज़रा संभाल के खाए चटनी जरा संभाल के खाए और हमारे चैनल पे कोई भी सेलिब्रिटी आए तो एक बार अपना इंटरव्यू जरूर देखे जाए राधे 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 दर्शकों आपने अभी हमारे साथ देखा रिया शुक्ला का इंटरव्यू जैसा कि हम आपको लगातार इंटरव्यू दिखाते रहते हैं बॉलीवुड एक्टर एंड एक्ट्रेस आप हमारे चैनल को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे इस खबर को सबसे ज्यादा शेयर करें